गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर EVS क्लास. एज यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सेफ्टी रूल्स. नाउ बिफोर आई स्टार्ट द न्यू टॉपिक, आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस. जब भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर. ठीक है, आप पॉज करेंगे, आप अपनी मम्मा के या पापा के साथ जिसके साथ भी बैठे हैं आपको आंसर देंगे. अब सेफ्टी रूल्स वाले चैप्टर में हम ऑलरेडी 2 प्लेसेस देख चुके हैं जहां हमें सेफ्टी फॉलो करनी है. कैन यू नेम देम? हमने कहां कहां देखा था कि कहां कहां हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं? 2 जो टॉपिक हमने पढ़े हैं, राइट? फर्स्ट हमने पढ़ा था सेफ्टी ऑन रोड, सेफ्टी ऑन रोड, एंड दूसरा हमने देखा था सेफ्टी एट होम. ठीक है, दीज आर द 2 प्लेसेस जहां हमने सेफ्टी फॉलो करनी होती है. अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारी जगह है जहां हमने सेफ्टी फॉलो करनी है, बट हम 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं. अब सेफ्टी ऑन रोड में हमने देखा था कि ऑलवेज वॉक ऑन, ऑलवेज क्रॉस द रोड एट ज़ेब्रा क्रॉसिंग. ज़ेब्रा क्रॉसिंग में रोड क्रॉस करना. नेवर रन एंड प्ले ऑन रोड. कभी भी सड़क पे हमें भागना भी नहीं चाहिए और ना खेलना चाहिए. वॉक ऑन फुटपाथ. हमें फुटपाथ पे वॉक करना है. डू नॉट ट्राई टू गेट इन और आउट ऑफ द मूविंग व्हीकल और बसेस. हमें किसी भी चलती हुई गाड़ी में ना तो चढ़ना चाहिए और ना ही उससे उतरना चाहिए. Do not keep our body parts like head, face, etc. out of the window of moving bus or any other vehicle. कभी भी हम गाड़ी के अंदर बैठे हों, चाहे वो बस हो, कार हो, व्हीकल, कोई भी व्हीकल हो, लेकिन हमें जो है उसमें से अपना ना तो सर बाहर निकालना या हाथ ना हो, बिकॉज इन दैट सिनेरियो दूसरी जो गाड़ी हमारे पास से गुजरती है हमारा उस पर एक्सीडेंट हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट सेफ्टी ऑन रूल, सेफ्टी रूल्स एट होम में हमने देखा था डू नॉट रन अप एंड डाउन ऑन स्टेयर्स. हमें कभी भी स्टेयर्स पे ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए. डू नॉट लीन ओवर द बालकनी. बालकनी से नीचे को नहीं लटकना चाहिए. शार्प ऑब्जेक्ट्स नहीं यूज करने चाहिए. इलेक्ट्रिक वायर्स या सर्क्यूट सॉकेट्स में हाथ नहीं डालना चाहिए हम लोगों ने. ठीक है, मैचस्टिक से नहीं खेलना चाहिए. एंड लास्ट इज नेवर जंप ऑन द सोफाज एंड बेड. कभी भी सोफा एंड बेड पे जंप नहीं करना चाहिए. नाउ आज का जो टॉपिक है जो हम करेंगे वो है चैप्टर पेज नंबर 34 पे सेफ्टी ऑन प्लेग्राउंड. अब क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हमें लेने चाहिए व्हेन वी आर ऑन प्लेग्राउंड. प्लेग्राउंड जब हम खेलने जाते हैं, पार्क में, किसी मैदान में जब हम खेलने जाते हैं, वहाँ पे भी हमें बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स याद रखने पड़ते हैं. सबसे पहला है, अगर हम बाहर जाते हैं तो सड़क पे ना खेल के हमेशा हमें कहाँ खेलना चाहिए? या तो प्लेग्राउंड में खेलना चाहिए, गार्डन में. अगर हमारे घर के पास गार्डन है तो उसमें खेलें, या फिर कोई प्लेग्राउंड है, पार्क है, उसके अंदर ही खेलना चाहिए. हमें कभी रोड पे नहीं खेलना चाहिए. तो ऑलवेज प्ले इन अ प्लेग्राउंड. फर्स्ट रूल क्या है? ऑलवेज प्ले इन अ प्लेग्राउंड, यानी वो मैदान जो खेलने के लिए बनाए जाते हैं वहीं पे हमें खेलना चाहिए. नेक्स्ट इज डू नॉट नेवर प्ले ऑन द रोड और नियर बुशेस. झाड़ियों के पास या फिर रोड पे हमें कभी भी रोड पे नहीं खेलना चाहिए. नेवर प्ले ऑन रोड. ना तो हमें सड़क पे खेलना चाहिए और ना ही झाड़ियों में, बिकॉज झाड़ियों के पास खेलते समय हम ये भूल जाते हैं कि उनमें क्या होते हैं. कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें थॉर्न्स होते हैं, और अगर वो चुभ जाए हमें, कांटे होते हैं, वो कांटे हमें चुभ सकते हैं. अदरवाइज उनमें किसी तरह का कोई इंसेक्ट बैठा हो सकता है या लिजर्ड बैठी हो सकती, छिपकलियाँ हो सकती हैं.
तो बुशेस के पास भी नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट थ्रो सैंड और मड ऑन आवर फ्रेंड, इट मे हर्ट देयर आईज। और अगर हम पार्क में भी खेलते हैं तो वी शुड नेवर थ्रो सैंड, कभी भी मिट्टी या कीचड़ इस तरह की चीजें अपने दोस्तों के ऊपर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर हम डालते हैं तो वो उनकी आंखों में जा सकता है और उनकी आंखें जो हैं उनकी आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है, फिर उनको प्रॉब्लम होगी। नेवर पुश एनी वन वाइल यू आर प्लेइंग गेम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब भी हम गेम खेलते हैं जो आप सभी बच्चे करते हैं, दैट इज कि हम अपने फ्रेंड्स को धक्का देते हैं। सो वी शुड नेवर पुश एनी ऑफ आर फ्रेंड्स व्हेन वी आर प्लेइंग विद देम। दूसरा, व्हेन वी आर ऑन अ स्विंग, जब भी हम झूले पे होते हैं तो अपनी चांस पाने के लिए हम कभी कभार बच्चों को ज़्यादा धक्का दे देते हैं, तो वो भी नहीं करना चाहिए। किसी भी झूले पे जब हम होते हैं, झूलों पे तभी बैठे जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने एल्डर्स के साथ हो, अकेले तो ना बैठे, और अगर बैठते भी हैं तो अपने दोस्तों को कभी भी पुश ना करें, ठीक है। आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आ गया है। नाउ टुडेज क्लास वर्क इज, आज का जो क्लास वर्क है जो आप लोगों ने करना है नोटबुक में, दैट इज एक्सरसाइज का ए पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन आज हम करेंगे, क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड, ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, टू फॉलो सेफ्टी रूल्स। सो कैन एनी ऑफ यू थिंक अबाउट द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप लोगों ने सेफ्टी रूल्स पढ़ा, आप लोगों ने ये भी पढ़ा कि हमें किस तरह के सेफ्टी मेजर्स करने चाहिए। नाउ अब मुझे ये बताइए कि सेफ्टी रूल्स क्यों फॉलो करने चाहिए, क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड टू फॉलो सेफ्टी रूल्स। कैन एनीबडी जस्ट थिंक, एक मिनट वीडियो को पॉज करके सोचें और जवाब देने की कोशिश करें कि व्हाई शुड वी फॉलो सेफ्टी रूल्स। शायद आपका आंसर बिल्कुल मैच खा जाए। यस, वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स टू बी सेफ। जो हमने सबसे पहला पढ़ा था कि हमें सेफ्टी रूल्स क्यों फॉलो करने चाहिए, जस्ट टू बी सेफ, कहीं पे भी जाए अगर हम इन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे, विल नेवर बी इन अ हार्म, हमें कभी भी कोई चोट नहीं लगेगी, एंड वी विल नेवर गेट एनी काइंड ऑफ इंजरी। अब ये जो क्वेश्चन और आंसर है आपने नोटबुक में करना है, ठीक है। आज हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, सो ये आप नोटबुक में लिखेंगे। पुट द डेट, चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम ऑल्सो, सेफ्टी रूल आपने चैप्टर नेम लिखना है, क्लास वर्क, फिर आपने हेडिंग डालना है, हेडिंग है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और फर्स्ट क्वेश्चन आंसर आप कॉपी में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।